मैंने एक दर्शन देखा कि एक छोटा एंजल्स ऐसे उड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे मैं देख रहा हूं और अचानक से वो उड़ने लगा, रुकावटें आ रही हैं और वो उड़ता हुआ एंजल्स उड़ने लगा और उसके साथ एंजल्स, उसके साथ एक दाहिनी ओर एंजल्स की लाइन, एक दाहिनी ओर एंजल्स की लाइन, स्वर्गदूतों की लाइन चलनी शुरू होगी। और जब ये विजन खत्म हुआ, आज मैं स्पिरिट में जान पा रहा हूं आपकी लाइफ के वैस वो हालात, वो हेल्पर्स, वो मिरेकल्स, वो चमत्कार, जिस तरह दानियल की प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था क्योंकि एंजल्स के साथ शैतानी एंजल्स लड़ रहे थे, शैतानी दुष्ट आत्माएं लड़ रही थी, ये प्रेयर में बना रहा और उसकी उत्तर आया प्रार्थनाओं का। जैसे एक एंजल्स मैं देख रहा हूं जो आपकी प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा है, वो रोका जा रहा था, एक फाइट में था, पर जब मैंने साइड में एंजल्स देखे, इधर एंजल्स देखे, इसका मतलब आपकी रुकी प्रार्थनाओं के उत्तर आ रहे। आपने टेस्टमनी सुनी कि एक सिस्टर बता रही थी कि हमारा फैमिली मेंबर गुम हो गया, एक साल हो गया, दो साल हो गए, पांच साल हो गए, दस साल हो गए, बारह साल हो गए, उम्मीद छोड़ दे कि मर गया है, कहां है, जिंदा है या नहीं है, कहां है। सोचो जब इतने साल, कितने साल थे, 14 साल, जब 14 साल के बाद एक व्यक्ति जो गुम हो गया वापस मिले प्रार्थना के द्वारा, तो ये क्या अद्भुत नहीं है, ये एंजल्स काम करते हैं। और आज सुबह जब मैं वचन पढ़ रहा था, मैंने देखा कि परमेश्वर ने पौलुस को जब दर्शन दिया, पवित्र आत्मा ने उससे बात की कि अब तू जाएगा और मेरे लिए प्रचार करेगा। और एक व्यक्ति को, एक दास को प्रभु बोल रहा है दर्शन देके कि तू पौलुस के पास जाके प्रार्थना कर कि उसकी आंखें तू खोले। कहता मैं कैसे जाऊंगा प्रभु, वो तो मसीहों को मारता है, मैं उसके पास कैसे जाऊंगा। प्रभु कहता तू जा, क्योंकि आज के बाद वो अन्य जातियों में मेरे नाम का प्रचार करने वाला है, अब वो बदल चुका है। मैंने कहा आपके हालात वैसे ना रहेंगे, वो चेंज होंगे यीशु नासरी के नाम में। जब आज आप प्रभु के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हो, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके हालात वैसे ना रहेंगे, वो चेंज होंगे यीशु नाम में। आपको लग रहा है मेरा पति तो ऐसा है, मैं अपने बच्चे को नशे में छोड़ के आया था घर में, मेरा पति तो ऐसा था, मेरा हस्बैंड तो ऐसा था, मेरे बच्चे तो ऐसे थे। पर जब आप सेलिब्रेट करके जाओगे और बिलीव करोगे भविष्यवाणी पर जो मैं आपको दे रहा हूं, तो आप कहेंगे वो तो ऐसा था, पर प्रभु कहेगा नहीं, वो चेंज हो चुका है। जब तू वापस जाएगा वो चेंज हो चुका है, तेरे हालात, तेरा बिजनेस, तेरी लाइफ के साथ जुड़ी हर चीज वो चेंज हो चुका है। तेरी रिपोर्ट, आपको लगे मेरी तो रिपोर्ट ऐसी थी, अब दोबारा डॉक्टर के पास जाने वाले, डॉक्टर बोले नहीं ये तो चेंज हो चुकी है। हालेलुया। मैंने देखा एक दास को, कुरनेलियस को प्रभु बोल रहा है, पत्रस को, कुरनेलियस को बोल रहा है कि पत्रस को बुला दूत के द्वारा, स्वर्ग दूत के द्वारा, कि पत्रस को बुला कि वह तुझसे कि वो हमसे वचन शेयर करे। कुछ दूतों को, कुछ तीन लोगों को भेजता है वो पत्रस को लाने के लिए। और पत्रस क्या कर रहा है, अभी ये वहां पर मौजूद है और प्रभु उसे बोल रहा है। जब उसे आकाश की ओर देखा, उसको खाने के लिए भोजन आया, प्रभु वो कहता है मैं प्रभु ये शुद्ध भोजन नहीं खाऊंगा। वो अचानक ऐसे बैठा था, संगति में बैठा था, अचानक वो आत्मा में जैसे खो गया और वो क्या, उसे दर्शन आया। दर्शन के बाद क्या होता है कि तीन लोग उसके घर में आते हैं कि पत्रस का घर, पत्रस यही है, और पत्रस को प्रभु बोल रहा है कि तू नीचे आत्मा के द्वारा, यहां पर किसी और व्यक्ति को और प्रभु के दास को एंजल्स बोल रहे हैं, स्वर्गदूतों ने बोला कि जा वहां पर पत्रस को बुला के वे तुझे वचन दे। दर्शनों के द्वारा ये प्राप्त कर रहा है। इधर आत्मा, होली स्पिरिट पत्रस को बोल रहा है ये लोग तीन तेरे पास नीचे आए हैं, तू इनके पास नीचे उतर और तूने इसके साथ जाना है। समझ रहे ना, उधर एंजल्स काम कर रहे हैं, इधर पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। जो विजन में देख चुका आपके लिए वो इसी तरह है, कुछ पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत आपके लिए कार्य करने वाले हैं। जब आप न्यू ईयर में एंटर करोगे, इस क्रिसमस मीटिंग को अटेंड करते हुए, आप क्या देखोगे, अनुग्रह आपके लाइफ के हर एक हिस्से में होता हुआ आप देखने वाले हो।
क्योंकि मैं देख रहा हूं एंजल्स आपके लिए काम करने शुरू करेंगे आज के बाद, पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य करना शुरू करेगा आज के बाद। आप उसे साथ लेते हुए जाओगे और वह पवित्र आत्मा आपके साथ होते हुए बातें करेगा। वहां पर मैं एक पत्रस के बारे में पढ़ रहा था कि बार बार पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, पत्रस को बोल रहे हैं तू जा तू खा, तीन बंदे आ रहे तेरे पास, तू वहां जाएगा। हर एक चीज के लिए वो इतना ट्यून हो चुका था पत्रस उसके साथ कि पवित्र आत्मा बार बार उससे बात कर रहा था। और आगे की बातों के लिए पवित्र आत्मा, कई वक्त परमेश्वर का काम रहता कि वो आपके पास वचन आए और वो आपको चर्च में छोड़े। पवित्र आत्मा, कई लोग पहली बार चर्च में आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कोई प्रोग्राम देखने के लिए नहीं आए, डेकोरेशन देखने के लिए नहीं आए, कोई प्ले देखने के लिए नहीं आए। ये आपकी सोच हो सकती है, आप इन चीजों के लिए आए हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार ने आपको इन्वाइट किया, आपके दोस्त ने आपको लेकर आया और आप चर्च में आए हो। पर मैं आपको असली कारण बताता हूं, जे कारण जो आपको जो दिख रहा है, पर मैं आपको असली कारण बताता हूं कि परमेश्वर आपको खुद यहां पर लेकर आया आप पर दया करने के लिए, आप पर अनुग्रह करने के लिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपके पापों से माफी देने के लिए, आपको स्वर्ग देने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए। आप आए नहीं हो, आप परमेश्वर के द्वारा लाए गए हो। हालेलुया, आप परमेश्वर के द्वारा लाए गए हो यहां पर इस मीटिंग में। और जब आप यहां से जाओगे आप फील करेंगे कि मैं वैसे जैसे मैं पहले चिंता करता था, अब मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही। जैसे मैं पहले गुस्सा करता था, मेरी वाइफ के साथ लड़ता था, मैं अपने परिवार में गुस्सा मुझे आता था, मैं कहता था गुस्सा मेरा कैसे खत्म होगा, मुझे अब गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। पहले मैं अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा, अब संघर्ष नहीं है, अब ये बीमारी नहीं है, अब जे गिल्टी नहीं है, अब जे बाबा सिर का रोग नहीं है, अब जे रसौली मेरे सिर में नहीं है। आप देखेंगे कि बदल चुका है सब कुछ। हालेलुया, क्योंकि यीशु इसीलिए आपको यहां पर लेकर आए हैं। अपने आने का मकसद यहां पर चेंज करो। हो सकता है आप किसी भी मकसद से आए होंगे, जितने लोग पहली बार और चर्च में आए वो आपको दिख रहा है आपके आने का मकसद, पर परमेश्वर कुछ आपके लिए और देख रहा है जो वो आपकी लाइफ में आपको दिखेगा यीशु नाम में। हालेलुया, हालेलुया।